स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सर आज आप लोगों के सामने एनवायरमेंटल एजुकेशन की और जानकारियां लेकर के आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी, ऊर्जा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऊर्जा क्या है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अर्थात हम अगर किसी कार्य को करते हैं तो उसको उस कार्य को करने के लिए हम जितना एफर्ट लगाते हैं वो हमारी ऊर्जा से ही आता है। और कोई भी कार्य तभी संपन्न हो पाता है जब हमारे अंदर कोई ना कोई ऊर्जा हो। बिना ऊर्जा के हम किसी कार्य को कर नहीं सकते हैं। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऊर्जा होता क्या है और ऊर्जा का रूप क्या क्या है। कोई भी ऊर्जा, इसका ना तो जन्म होता है, ना ही उत्पन्न होता है, ना ही का विनाश होता है, बल्कि ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। अर्थात हमारे प्रकृति में जितने कार्य हैं उन सबको कार्य करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहीं से उत्पन्न नहीं होता है, बस वह एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होते रहता है। और हमारे शारीरिक और भौतिक कार्यों के लिए इस ऊर्जा को हम लोग विभिन्न जगहों से ट्रांसफर करते हैं या विभिन्न जगहों से लेते हैं। और किसी भी देश के लिए ऊर्जा से ऊर्जा को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वह उसकी आर्थिक और तकनीकी उन्नति के लिए सहायक हो। अब हम जानते हैं कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में जीवाश्म ईंधन आदि आते हैं। तो हम पहले उस वर्ड को समझते हैं, जीवाश्म ईंधन। कोई भी वस्तु, पादप, पशु, मृत पशु आदि को लाखों वर्षों तक रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रियाओं होने के बाद ही कोई जीवाश्म ऊर्जा तैयार होती है। और अगर हम उस ऊर्जा को लगातार खपत करते जाएंगे तो वह निश्चित ही जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हमें ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं मिलेगा। इसलिए हमें सबसे पहले ऊर्जा जानने के लिए ऊर्जा संरक्षण को जानना होगा। ऊर्जा संरक्षण, तो जैसा कि अभी पहला ही लाइन था कि ऊर्जा का ना तो उत्पन्न होता है और ना ही उसका विनाश होता है, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत से कार्य करके बहुत सारे देश अलग अलग तकनीक का प्रयोग करके ऊर्जा का बचत करते हैं और ऊर्जा को विभिन्न कार्यों में लगाते हैं। हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें कि कम ऊर्जा का निवेश करके अधिक ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। जीवाश्म ईंधनों का कम उपयोग, हमें जीवाश्म ईंधनों का कम उपयोग करना चाहिए ताकि हम पुरानी और प्राकृतिक ऊर्जा को बचा के रख सके और आने वाली पीढ़ी तक उस ऊर्जा को पहुंचा सके। साथ ही हम बहुत ऐसे ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं जो कि प्राकृतिक है और जिनका की लॉस भी नहीं है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। ये सब प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं और इसका कोई नुकसान भी नहीं है और यह खत्म भी नहीं होने वाला है। इसलिए हमें वैसे तकनीक का प्रयोग करना चाहिए जिनमें कि प्राकृतिक ऊर्जा को हम लोग लें और उसको अपने कार्यों में लगाएं। एक सर्वे के अनुसार पिछले 200 वर्षों में हमने जीवाश्म ईंधन का 60% खर्च कर लिया है, अर्थात पूरे जितने भी अभी तक हमारे पृथ्वी में मौजूद जीवाश्म ईंधन है उसका 60% पूरे विश्व ने पिछले 200 वर्षों में खपत कर लिया। तो बचे हुए जीवाश्म ईंधनों या बचे हुए स्रोत को हमें कैसे कम उपयोग करके ज़्यादा ऊर्जा में परिवर्तित करना है, यह हमें हमेशा सीखना चाहिए और जानना चाहिए। ज
जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं रोशनी के लिए, जो बिजली का बल्ब पुराने समय में उपयोग होता था, जिसे कि हम लोग फिलामेंट बल्ब भी बोलते हैं। यह बहुत अधिक ऊर्जा का खपत करता था और आने वाले दौर में हमें इस ऊर्जा से, मतलब इस ऊर्जा के खपत होने से बहुत नुकसान होता। तो हमारे तकनीक में परिवर्तन आया जिससे कि CFL का निर्माण हुआ और CFL बहुत कम ऊर्जा का खपत करता है। आप देखते हैं कि यह 9 वाट 10 वाट इस तरह के कम ऊर्जा में ही पूरे घर को रोशनी दे सकता है। तो यह इसी प्रकार की विधि का उपयोग करके हम ऊर्जा को बचा सकते हैं और कम ऊर्जा निवेश में अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ऊर्जा स्रोतों को किन दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अनौद्योगिक दूसरा है औद्योगिक। इनमें आते हैं पशु ईंधन, पादप ईंधन और प्राकृतिक ईंधन। जैसे कि कोयला, यूरेनियम आदि। अर्थात हम देख सकते हैं कि ऊर्जा का जो स्रोत है वो दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है अनौद्योगिक। अनौद्योगिक में भी पशु ईंधन, पादप ईंधन, जो कि पशुओं और पादपों के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, साथ ही प्राकृतिक ईंधन जैसे कि कोयला, यूरेनियम, ये सब हम ऊर्जा के अनौद्योगिक स्रोत में लाते हैं। और इनका उपयोग हम अगर अच्छी तरह से करें तो यह हमारे लिए आने वाले समय के लिए बहुत अत्यधिक ऊर्जा बचा के रखेगा। साथ ही दूसरा है पारंपरिक स्रोत। जैसे कि तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और अपारंपरिक स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। अर्थात औद्योगिक स्रोत में आते हैं तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि, क्योंकि हम इनको उद्योग के द्वारा, तकनीक के द्वारा इस ऊर्जा को नई तौर पे निकालते हैं। और दूसरे हैं अपारंपरिक स्रोत, जिनमें आते हैं सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। तो इन सभी ऊर्जा स्रोतों से हम अपने दैनिक जीवन में ढेर सारे ऐसे कार्य करते हैं जिनमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बस हमें इन ऊर्जा को एक से दूसरे रूप में रूपांतरित करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है और हमें इन सभी ऊर्जाओं को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि ऊर्जा क्या है और ऊर्जा के स्रोत क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन प्रकार के ऊर्जा होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।